एक बार फिर दहेज की भेंट चढ़ी नवविवाहिता। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में जवापुर गांव में 2.5 वर्ष पूर्व शिवांगी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज लोभी ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। आरोप है कि ससुराली जनों ने हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। बताते चले कि ससुराली जनों से नवविवाहिता की शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज को लेकर मनमुटाव चल रहा था। कुछ दिन पूर्व ही पंचायत कर आई थी शिवांगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। अरे किस गांव रहने वाले हो आप? पहाड़पुर। अच्छा, ये जवाबपुर में क्या मामला हो गया आपका? अरे सिस्टर थी ना। क्या नाम था? लगा दी शिवानी। कितनी उम्र थी? लगभग हो गई 23 साल। शादी कितने साल हो गई? लगभग 2.5 साल। अच्छा, फांसी लगा दी, किसने लगाई? उन्होंने ही लगाई, इसकी बहन थी तीनों और वो खुद थे। आपको कब मालूम पड़ा? आपको पता कब लगा? पड़ोसी ने फोन किया इनके। हाँ, क्या ये कहा कि मतलब आपकी सिस्टर मतलब उसने फांसी लगा ली है। अच्छा, फिर आप आए तो बहन आपको कैसी मिली? मतलब लटकी मिली? लटकी मिली। ससुराल वाले हैं? नहीं, वो सब फरार हो गए। क्या मामला क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे वो हमेशा ही मारपीट करते रहते हैं, कुछ खर्चा वर्चा मांगती है, जब से शादी की तब से ही मारपीट कर रही है। अच्छा, क्या मांग रही है? अरे ये कह रहे हैं कि अब एक 4-व्हीलर और दिलवा दो।